सुबह हो चुकी है और रात वेरी अर्ली मॉर्निंग वेरी अर्ली और भाई स्कूल के लिए रेडी भी हो चुकी है। लेकिन एक चीज जो सबसे सरप्राइजिंग जो मुझे लगी, अभी मैं नहाने के लिए गया हुआ था तो मैं आया तो वापस सीएसी का नहीं, ये रजाई पूरी तय करके रख दी, अपने कपड़े पूरे तय करके रखे हुए। मतलब इसकी मम्मी ने इसको अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है, पता लग रहा है कि सुबह सुबह देखना और उस सिडनी को वहां बिठा दिया, जैसे इसकी मम्मी करती है ना वैसे वैसे चीजें इसने सुबह सुबह ही करी ना। तो अभी देखते हैं, अभी आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे दिन है जहां हम अकेले हैं, दोनों साथ है, आप लोगों के साथ देखने को मिलेगा काफी कुछ। तो इसके साथ गाइस वंस अगेन वेलकम बैक ऑन अनदर व्लॉग। आपको नींद ठीक आई? मेरे को गर्मी लग रही थी बिकॉज मैं मोटा वाला पजामा पहन रखी था, लेकिन वैसे तो ठीक था। सैड है लेकिन मम्मी पहुंच गई है ना, बात हुई ना तो मम्मी से, हम इसकी मम्मी से बात हुई थी तो उसने, हमने पूछा शोर रे कैसा है, तो बोली मैं घर पहुंच के, अभी घर नहीं पहुंची है, जब घर पहुंच जाएगी जब वो बताएगी हमें कि शोर ने तंग किया है। नहीं मुझे लगता है शोर ने तंग किया होगा, अब क्या लगता है? मेरे को ऐसे नहीं लगा होगा बिकॉज उसने थोड़ी देर खेला होगा, दूध पिया होगा, कुछ खाया होगा उसका डिनर, फिर सोया होगा आराम से, बिकॉज पूरा दिन उसने सोया नहीं कुछ। नहीं सोया तो खैर मैं एक घंटा सोया था बस। हाँ वो भी कह लो आधा घंटा आया। ओके तो चलो देखते हैं भाई, मुझे स्टोरी पता लगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, और क्या पता अगर सोनिया ने व्लॉग बनाए होंगे तो वो भी आप लोगों को दिख ही जाएंगे, आपको पता लग जाएगा वो सारी चीजें। तो चलो चलते हैं, इसको स्कूल छोड़ना है फिर अपना ऑफिस काम, तो लेट्स बिगिन द डे। और यहाँ सोनिया है ना हमारा भी, यशिका के तो सारे कपड़े वपड़े सब कुछ पैक करी गई है, और मेरे भी कि भाई कौन कौन से हमें लेके आ रहे हैं, तो हमें पैकिंग में डिफिकल्टी ना हो इसलिए। ओहो आज तो बहुत बिजी डे था। ठीक है यशिका का स्कूल कैसा रहा तेरा? अच्छा स्कूल अच्छा रहा था। स्कूल चली गई थी सुबह, जैसे कि आपको दिखाई था सुबह जब हमने बात की थी, उसके बाद अब सीधा बात हो रही है। तो सुबह स्कूल चली गई थी, स्कूल जाके अभिजीत को मैंने बोला था क्योंकि मुझे ऑफिस जाना था, तो ऑफिस में गया था। तो फिर स्कूल से आने के बाद फिर से मैंने अभिजीत को बोला था कि मैं ऑफिस से आ रहा था जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो उसने पिक किया इसको। बट इट वॉज रियली अ बिजी डे मेरे लिए भी, और तेरे लिए बिजी था क्या? अच्छा मम्मी की याद आ रही है? अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ, यहाँ प्ले एरिया है एक, मतलब बच्चों का खेलने का, तो मैंने शाम न्यू को बना, न्यू बना है। तो मैं एक घंटे के लिए इसको वहाँ लेके जाता हूँ, थोड़ा सा इंजॉय करेगी, उसके बाद घर पे आते हैं, देखते हैं क्या डिनर विनर लेते हैं, हम तैयार करते हैं। तो बने रहना हमारे साथ, देखते रहना हमारे इस ब्लॉग को, और हमारे को एक लाइक जरूर कर देना। डरा दिया? यस क्यों? रिमेंबर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यशिका ये यहाँ पे बैडमिंटन खेलेंगे हम यहाँ पे, और प्लस ये प्ले एरिया खेल लेंगे बैडमिंटन। यशिका और मैं जिम करने आए हैं, पहले यशिका ने वो किया वहाँ पे कैमरा लाउड नहीं था, अब यशिका जिम करेगी मेरे साथ या रोप क्लाइंबिंग करनी है। और जिम विम करके अब हम आए हैं कुछ खाने के लिए, देखने क्या खाएंगे अब हम चले। यशिका क्या लेना है? ये ले लेगा सैंडविच? ले ले सैंडविच ले लेते हैं, मजाक कर रहा हूँ कभी तो सच में ले ले, मेरी राज में कोई सैंडविच नहीं होगा। ये क्या है बेटा? सुशी चीची सुशी चीची बेटा, ये तो कच्चे हैं तो खाए बिना जाए। चलो आ जाओ, अरे फिश तो हम खाते भी नहीं, ये क्या है चीची? चलो आ जाओ। ओ ये बड़े, और ये बड़ा सी है लूज पोमोग्रेनेट, मोटे मोटे आए हैं ये लो। अच्छा पड़े हैं अभी तो पोमोग्रेनेट घर में तीन। अभी यशिका ने पूछा पापा डिनर में क्या है, मैंने कहा बेटा बताओ जो भी खाना है आपको वही बनाएंगे। बोले किस आइडिया, मैंने कहा ऐसी चीजें नहीं बनेगी कभी, तेरे को लग रही हो किस आइडिया खाना है तेरे को? यशिका यार किस आइडिया बनाना बहुत मुश्किल है, नाम ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बनाना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा मुझे लग रहा है। सिंपल सा बोलना, पुलाव खा लेते हैं। क्या खाएं? ये ब्रोकली है, ब्रोकली खा लेंगे इसको बॉईल करके। इस लड़की को स्पेशल डिनर चाहिए, स्पेशल नहीं है बेटा, जल्दी से बताओ अब क्या खाना है, यहीं से लेके चलते हैं जो बनाना है। कुछ फ्रोजन ले लेते हैं। चलो देखते हैं। चलो फाइनली मेरा और यशिका का एग्रीमेंट हो गया था कि हमें क्या खाना है आज डिनर में, तो आज का डिनर हमारा बन रहा है। यशिका किस चीज पे एग्रीमेंट हुआ है अपना? ऑमलेट और ब्रेड, ब्रेड ऑमलेट खाएंगे हम।
ठीक है, जैसे ये शॉपिंग करके लेके आए हम, यहाँ पे दूध है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेप्स फेवरेट है ऐसी के, अनार पहले ही पड़े हुए थे दो तीन, लेकिन अनार मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं अनार भी लिया है, यहाँ पे बनाना, यहाँ पे पैर, यहाँ पे छोटी सी ब्रोकली, और ये ब्रेड सीडेड ब्रेड लेके आए हम, और यहाँ पे दही एक, देख लो सिंपल सी छोटी सी शॉपिंग। ये वाली चीज़ खानी है मेरे को, ब्रेड और ऑमलेट ये भी खा लेंगे हम, थोड़ा काप्स हो जाएगा, बाकी फाइबर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब तू क्या कर रही है? कपड़े सुखा, कपड़े सुखा रही है। जाने से पहले मैंने कपड़े धो दिए थे। ये दो चीज धोई है सिर्फ? नहीं और भी है। अच्छा, मुझे लगा पूरी वॉशिंग मशीन। तेरे को वॉशिंग मशीन चलाने आती है? हाँ, मम्मी से खा के गई थी। ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे वॉशिंग मशीन में से चलानी आती है मैंने भी। अच्छा, ये सारे कपड़े तो एक एक करके ले जाएगी अभी? वेरी गुड, तो सारे इकट्ठे ले आती पहले? मेरे छोटा हाथ है, छोटा हाथ है, मैं लाके दूं आपको वहां पे? yes. सुखा दोगे आप? ओ वाह, ये शिका भाई कितनी प्राउड वाली बात है कि हमारी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है भाई, वो घर के काम भी समझती है, अपनी मम्मी की पूरी। देखते हैं भाई, अब हमारे पास हम दो हफ्ते हैं, आप लोग हमें देखोगे कि भाई यहाँ पे हम किस तरह से रहते हैं दोनों पापा बेटी, और बस आप लोग अपना प्यार देते रहना। कपड़े सुखाते हैं अभी, तो बाकी बातें बाद में करेंगे। तो ये शिवा, मैंने सारे कपड़े यहाँ ला के दे दिए हैं। गीले में ऐसे हो जाता है क्योंकि ज्यादा गीला हो जाता है ना। तेरे को याद कैसे थे? मेरे को तो याद ही नहीं थे। क्या तेरे को मम्मी ने बोला था? याद आ गई तेरे को अपने अभी? नहीं, मैंने ये कहा आज कपड़े धोने हैं। और इसने ना स्कूल चली गई, इसने अभी तक मम्मी के इसके जाने के बाद मम्मी से बात भी नहीं करी है, है ना? हाँ, बिकॉज जब मैं फोन कर रही हूँ मम्मी को, पता नहीं इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो रहा या फिर शोरा को सुला रही है या कुछ। कब? वो तो कल ही कर रहे थे ना हम, कल जब एयरपोर्ट से आ रहे थे। सुबह भी किया था व्हेन मामा वाज आउट ऑफ द एयरपोर्ट। हाँ, लेकिन तब हमारी बात हुई थी हल्की सी, सुबह सुबह ही 6 बजे, लेकिन उसके बाद नहीं हुई ना पूरे दिन आपकी बात। तो सोनिया पहुंच चुकी है, सोनिया ने बताया कि भाई किस तरह शोरे ने पूरे मतलब बहुत कारनामे करे, कारनामे मतलब कि काफ़ी बदमाशियां तो करी होंगी, बच्चे अगर शैतानी तो करेगा ही, तो उसने काफ़ी शैतानी करी प्लेन के अंदर भी, और इट वाज नॉट इजी टू टैकल हिम अकेले, अकेले बंदे के साथ ये हो जाता ना। और बच्चे का क्या होता है कि बच्चे की जो बेसनेट सीट मिलती है उसमें उसको सुलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्यों? वो बड़ा हो गया है, वो छोटे बच्चों की जो बिल्कुल छोटे होते हैं, और 2 साल से छोटा जब बच्चा होता है तो आपको उनके लिए सीट नहीं मिलती, आपको अपनी गोदी में ही बच्चे को बिठाना पड़ता है, तो बच्चा जब गोदी में सोता है तो आप तो खुद तो रिलैक्स हो ही नहीं पाते, तो सोनिया तो सो ही नहीं पाई होगी। तो हाँ, वो घर पे पहुँच चुके हैं, दादरी पहुँच गए हैं वो आराम से, मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ शोर खूब मस्ती करने में लगा हुआ है भाई। मेरे को है ना यशिका का डिनर बनाना था, और आज इतनी सारी कॉल बुक हो गई, मैं बच्चों के साथ इतनी बातें कर रहा था, और सच में बहुत लेट हो गया, और यशिका खुद ही लगी है बनाने में। ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी यशिका, सॉरी मैं लेट हो गया। हाँ, अब इसमें ही पोर करना होगा। ब्रेड कर ली तूने? भाई ये देखो, एक सेट तो ब्रेड का ये हो भी गया ठंडा, जिसने बोला पापा वो ठंडी होगी, मेरा ठंडी मत खाना बेटा, और गर्म कर लो, और हो रही है। और ये लड़की, जब तक यशिका तेरी मम्मी आएगी ना, तेरे को पूरा ट्रेन कर दूंगा मैं, ये पूरा फुल ट्रेन। अरे मम्मी ने हमें कितनी बार समझाया है कि ये जो भी ठंडी वाली चीज है जल्दी से फ्रिज में रखनी होती है, और कम से कम नहीं तो 2 घंटे हो गए हमें ये बाहर रखे हुए। यशिका, वी हैव टू लर्न मोर, हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फ्रिज भी भरना पड़ेगा, कल खाली हो गया अपना। और यशिका ने ऑमलेट बनाई भाई। सोनिया, अगर आप देख रहे हो इस ब्लॉग को, तो यशिका के लिए 2 नाइस वर्ड्स। और यशिका ने कपड़े सुखा दिए भाई। कितने यशिका, तुमने कपड़े तो बड़े सही सुखा दिए यार। कल आयरन करूंगी। हम भाई आयरन नहीं करना बेटा, आयरन रिस्की है, गर्म लगा होता है वो, आयरन करूंगी। नहीं बिल्कुल मम्मी नहीं बनना है। हाँ, थोड़ा तो एंजॉय करो ना। अब मम्मी आयरन के बिना पहनेंगे हम कपड़े। हाई फाई करो, बिना आयरन वाले कपड़े पहना करेंगे अब हम।